तो दोस्तों हमारी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है स्टार्ट। ये फर्स्ट डे का सीन है, सभी लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, रिपोर्ट कर दिया था सबने। और ये सीन है हमारे हॉल का जहाँ पर सब लोगों को उनके रोल नंबर वाइज भेजा गया था उनकी वेरिफिकेशन के लिए। सो आज मैं आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का डेली रूटीन दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम सो के उठते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अपनी योगा क्लासेस में अपना रूम लॉक करके, क्योंकि दिन भर हम बैठे बैठे रहते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। हमारी हॉस्टल की ही बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर पे एक कॉमन रूम है जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर टेबल टेनिस की टेबल रखी हुई है, कैरम लगे हुए हैं, एक टीवी भी रखा हुआ है। और यहाँ पर सुबह 6 से 7 तक हमारी योगा क्लासेस चलती हैं जो कि ट्यूसडे से फ्राइडे तक होती हैं। फर्स्ट सेशन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर में अकड़ाहट हो गई थी क्योंकि इतने दिन से कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे नहीं की थी। उसके बाद वापस अपने रूम पे आके अब हम रेडी होते हैं अपना डेली रूटीन का काम निपटा के। यहाँ पर सभी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी को एकदम फॉर्मल क्लोथ्स पहनने हैं। हालांकि मेरी ये शर्ट जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी कैजुअल लुक में आ जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे तो मैंने ले ली थी और उस दिन के लिए मैंने यही पहन के रेडी हो गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, सबकी एक कॉमन कैंटीन है। उस दिन अगर मैं बताऊं तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड स्लाइसेस थी, अंडे थे, बटर था, जैम था, उसके अलावा बॉइल्ड मूंग की दाल थी और कॉर्नफ्लेक्स थे। ये सभी आइटम्स लगभग ब्रेकफास्ट में रोज ही रहते हैं। उसके अलावा चाय और कॉफ़ी किसी को अपनी मर्ज़ी से लेनी हो तो वो ले सकता है। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम मैं ब्रेकफास्ट करने गया तो मैं तो व्लॉग बनाना भूल भी गया था। सो ये मेरी सेकेंड टाइम की वीडियो है जब मुझे थोड़ा और खाने की ज़रूरत पड़ी। नॉर्मली हमारे हर मील में 7 से 8 आइटम्स ज़रूर होती हैं, ये उसका एक सैम्पल है। ये हमारी कैंटीन और ये आप देख रहे हैं हमारे फ्रेंड शिव कुमार को। तो चलिए आपको मैं अब अपने एक बहुत ही अतरंगी फ्रेंड से मिलवाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करता रहता है हर टाइम। आप हमारे ब्लॉग में आएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अपने बारे में बताएंगे कुछ? प्रद्युम्न, हाँ अपने बारे में बताएंगे कुछ? क्या बताएं भाई, कुछ बताइए। आपकी तरह ही है, जैसे ही जैसे कि आप टीवी पर्सन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कि हम जो है ना कुछ बन गए वाला। हमें हैप्पी पर्सन वाला देखा है ना स्टेटस, तब हमें क्या कुछ है, बहुत अच्छी बात। खाते हैं पीते हम बहुत खुशी है, हाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत भी करते हैं, मतलब जितना खाते हैं उतना मेहनत करते हैं, खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात। मतलब हम किसी भी मतलब हैप्पी मोमेंट को याद भी नहीं रखते, हम जीते रहते नेक्स्ट वाले मोमेंट के लिए, और कभी ऐसा सैड मोमेंट को भी याद नहीं। सैड मोमेंट को तो हम गलती जैसा भूल जाते हैं, जैसे कभी था ही नहीं लाइफ में और सब सिर्फ हैप्पी मोमेंट ही था। बहुत अच्छा।
और बीच में एक बिल्डिंग के छोटा सा पार्क है ये। एंड हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो हॉल नंबर 2 में चलती हैं, क्योंकि मैं बैच बी में हूँ। इस हॉल का नाम है श्री सोराब जी पोचकान वाला हॉल, क्योंकि हमारे बैंक के फाउंडर। SPBT मुंबई में, CBOTC कोलकाता और भोपाल से। वहाँ की तीनों की फैकल्टीज़ क्लासेस लेती हैं और ऑनलाइन मोड के थ्रू हमारी क्लासेस ऐसे चलती हैं। फिर एक क्लास के बाद हमको मिलता है टी ब्रेक। ये सीन है टी ब्रेक का, सभी लोग मोस्टली क्लासेस से निकल ही जाते हैं। उसी बिल्डिंग के पीछे का ये पार्क है। उसके बाद हमारा लंच टाइम हो जाता है, और लंच टाइम में नॉर्मली काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि एक घंटे के टाइम में 140 लोगों को लंच करना होता है। ये सभी चीज़ें हमें लंच में लगभग डेली मिलती हैं। सो आज मैं ले रहा हूँ सबसे पहले सैलेड। ये स्प्राउटेड सैलेड है। उसके बाद मैंने ली रोटियाँ, चावल भी रहते हैं लेकिन चावल मैं नॉर्मली बहुत कम ही लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ली दाल, और एक ये सब्जी बनती है जिसको यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं, ये थोड़ी बंगाली फ्लेवर की होती है। और वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग आइटम्स रहती हैं लगभग रोज़। हमारे आज के दिन है मलाई कोफ्ता, एंड मीठे में भी हमेशा ही लगभग कुछ ना कुछ रहता ही है। सो आज गुलाब जामुन थे। सो ये हमारी प्लेट रेडी हुई। और साथ में दही लेके लंच करने के बाद फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास के बाद हमको मिलता है एक बार फिर से टी ब्रेक। और आज टी ब्रेक में हमारे लिए बने थे पकोड़े। एंड फिर ऐसे ही दो और क्लासेस के बाद हमारी क्लासेस हो जाती हैं एंड। फिर हम चलते हैं वापस अपने रूम पर। और ये कोलकाता है, यहाँ पर 6:30 के आसपास ही अंधेरा हो जाता है। मैं रूम पे पहुंचा तो पता लगा कि चाबियां शिव के पास थी। उसके बाद शिव आया रूम को ओपन करने। उसके बाद हमारे डिनर का टाइम हो जाता है। ये मेरी डिनर की प्लेट है, क्योंकि डिनर का व्लॉग मैं बनाना भूल गया था। उसके बाद हम शाम को निकले थोड़ा घूमने फिरने। सबसे पहले मैं गया हमारी जो क्लासेस वाली बिल्डिंग है उसके पीछे एक बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पर लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, और एक झूला भी है। उसके बाद घूमते घूमते हम बाहर सड़क पर निकल गए थोड़ी देर यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए। सो इस तरह से हमारा दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पहले सुबह योगा क्लासेस, फिर हमारी पढ़ाई वाली क्लासेस, फिर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर,
फिर शाम को घूमना, थोड़ा बहुत खेलना। सो काफ़ी बिजी हैक्टिक शेड्यूल रहता है। इसी तरह के और अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। सो बी कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।